हेलो गाइस, वेलकम टू ड्यूअल क्लासेस। ड्यूअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए सुपर 25 पार्ट 20 लेकर के आया हूँ। और आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो 17 अगस्त 2017 का शिफ्ट 2 पेपर है। हमने शिफ्ट 1 सॉल्व कर लिया था, 19 पार्ट्स हमारे हो गए हैं। अब हम पार्ट 20 करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि 20 पार्ट में क्या है। मैंने आपको जैसे बताया था कि 19 वाले पार्ट में क्लोज टेस्ट नहीं था ना, तो हमने 20 क्वेश्चंस किए थे, लेकिन यहाँ पर क्लोज टेस्ट है, तो आपको क्लोज टेस्ट करना है। और पूरे 25 क्वेश्चन है कि जो हमारी सीरीज है सुपर 25 है ना, तो वही है पूरी। ठीक है, आपको पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पर सिर्फ क्लोज टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर वन बाय वन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो क्लोज टेस्ट को करने का वही तरीका है, एज यूजुअल आपको पहले सिंगल रीडिंग कर लेनी है और समझना है कि थीम कैसा है, उस थीम को ध्यान में रख करके और सारे ऑप्शंस फिलअप करने हैं। ठीक है, अगर टाइम बचता है आपके पास थोड़ा सा भी, तो आप एक बार रिविजिट कर लीजिए, अदरवाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर आपको रीडिंग करनी है त्रिकोणासन और ट्रायंगल पोज, मतलब ट्रायंगल पोज, ट्रायंगल की पोज में बैठना या त्रिकोण आसन करना स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटायर बॉडी, पूरे शरीर के जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है, उनको फिर से मिलकर पुनर्जीवित टाइप कर देता है। ठीक है, एंड और क्या करता है, डैश अ लेटरल साइड स्ट्रेच टू द स्पाइन, मतलब डैश अ लेटरल स्ट्रेच टू, और क्या करता है, लेटरल स्ट्रेच देता है टू, लेटरल स्ट्रेच मतलब होता है लीनियर टाइप का स्ट्रेच टू द स्पाइन, स्पाइन में एक तनाव पैदा करता है। ठीक है, खिंचाव डालता है। इट हेल्प्स, ये सहायता करता है रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करने में, स्ट्रेस को कम करने में, और एंजाइटी जो हमारा हमारी चिंता होती है उसको कम करने में ये सहायता करता है। कौन, इट किसके लिए आ रहा है, त्रिकोण आसन के लिए आ रहा है। त्रिकोण आसन जो है हमारा ब्लड प्रेशर कम करने में, स्ट्रेस कम करने में और एंजाइटी कम करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। प्रैक्टिस दिस आसन एवरी डे, इस आसन का प्रतिदिन आप प्रैक्टिस करिए, एंड और यू विल स्ट्रेंथ इन एंकल, यू विल क्या कर, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आप देखिए, मिलेगा या क्या करेगा, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति इन एंकल्स, मतलब एंकल में, थाइज में, नीज में, हिप्स में और काव्स में और हैमस्ट्रिंग्स में, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, यहाँ यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी ये आसन करने से। ऑल स्टैंडिंग पोजेज, जितनी भी स्टैंडिंग पोजेज मतलब खड़े होने की दशाएं हैं, डैश द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, अब क्या करना है आपको, थर्ड में भरना है। सो इसलिए द मोर यू डू इट, जितना ज़्यादा आप इसे करेंगे, द डैश योर स्टेमिना विल बिकम, उतना ही आपका स्टेमिना होगा, अब क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, वो आपको फोर्स में भरना है। द एम इज, जो इसका लक्ष्य है, किसका, मतलब त्रिकोण आसन का, द एम इज, लक्ष्य है, इज नेवर टू ओवर डू इट, कि इसको आवश्यकता से अधिक नहीं करना है, बट टू इंगेज रेगुलरली, लेकिन नियमित रूप से इस पर लगे रहना है, डैश यू गेट स्ट्रॉन्गर, ताकि आप स्ट्रांग हो सके एंड मोर स्टेबल, और ज़्यादा स्थायी हो सके ओवर टाइम, समय के साथ साथ, मतलब और ज़्यादा लंबे समय तक आपकी उम्र बढ़े, ठीक सकें आप इस दुनिया में ना। तो ये सारा तो आपको समझ में आया इतना कि त्रिकोण आसन की बात कर रहा है, त्रिकोण आसन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, नहीं है चलो ठीक है, तो आप जानते हैं, इतना तो जानते हैं कि हर आसन आपके फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है ना, तो आपकी हेल्थ को ये बहुत ही हर तरह से क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो अब आपको यहाँ भरना है वर्ड्स, आप आइए आप वन बाय वन भरिए। त्रिकोण आसन स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटायर बॉडी, पूरे शरीर के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, एंड अ लेटरल स्ट्रेच टू द स्पाइन, और स्पाइन को एक तनाव देता है, खिंचाव देता है, क्या देता है, तो देता है, क्या करता है, तो गिवन, गेव, टू गिव या गिव, सबका मतलब गिव के फॉर्म में है, मतलब कहने का ये बात तय है कि देता है कि सेंस आएगा, और लेटरल स्ट्रेच देता है स्पाइन को। ठीक है, अब आपको डिपेंड करना है कि आप वर्ब में क्या भरो, थर्ड फॉर्म भरो, एस या एस भरो, सेकंड फॉर्म भरो, या टू प्लस गिव भरो। बहुत लोगों ने कहा कि सर टेंस मतलब चूज करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप पूरा सेंटेंस देखो, कौन सा सेंटेंस किस रूप में है। त्रिकोण आसन स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटायर बॉडी, मैं आपको हर बार उसमें एडिटोरियल में बताता हूँ कि सेम
एंड के दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ रहे। यहाँ पर स्टिमुलेट में एस या एस लगा, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो आने वाली वर्ब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट होगी। त्रिकोण आसन स्टिमुलेट करता है एंटायर बॉडी के फंक्शन को, एंड और क्या करता है, गिव्स, ये आपका सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बनेगा, एंड गिव्स ए लेटरल स्ट्रेच टू द बॉडी। और त्रिकोण आसन ही गिव्स देता है अ लेटरल स्ट्रेच टू द स्पाइन, स्पाइन को एक लेटरल स्ट्रेच। तो इसलिए आपको एस या एस वाला भरना है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब के साथ एस या एस लगा है, तो मेन वर्ब ऐसी ही यहाँ पर एंड के बाद भी होगी जिस पर एस या एस लगा होगा, ठीक है। तो वर्ब आपको चाहिए, जब वर्ब भरनी है तो वर्ब वैसी ही भरी जाएगी जैसी वर्ब पहले थी, क्योंकि एंड जुड़ा है, एंड और से सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ते हैं। अगर वर्ब भी जुड़ रही हैं तो सेम टाइप की वर्ब जुड़ेगी, सेम फॉर्म की वर्ब जुड़ती हैं। इसलिए ये रीजन है कि यहाँ पर हमें गिव्स लेना है। आगे भरते हैं, इस पूरे पैसेज में हमको बस वर्ब कंजंक्शन और वर्ब के फॉर्म्स यही भरने हैं। चार में फॉर्म भरने हैं, एक में डिग्री भरनी है, मतलब तीन चौथे वाले में, और इसमें कंजंक्शन भरना है। तो यही सब आज हमें करना है, केवल ग्रामर को यहाँ पर चेक करनी है। इट हेल्प्स, ये सहायता करता है रिड्यूस ब्लड प्रेशर कम करने में, स्ट्रेस कम करने में, एंजाइटी कम करने में। प्रैक्टिस दिस आसन, इस आसन की प्रतिदिन आप प्रैक्टिस करिए, एंड यू विल आप बताइए यू विल के साथ कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, गेनिंग, गेन, गेंड या टू गेन, ये तो इन्फिनिटिव है, गेन आपका सही है, एक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। तो यू विल गेन स्ट्रेंथ, आप शक्ति पाओगे इन द एंकल, थाइज, नीज, हिप्स एंड काम्स, एम्स, हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है, इन जगह पर आपको ताकत मिलेगी। ऑल स्टैंडिंग पोजेस, जितनी भी खड़े होने की दशाएं हैं, है ना, ऑल स्टैंडिंग पोजेस। अब यहाँ पर क्या है, अब आप यहाँ दिमाग लगाइए कि ऊपर से प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, फिर यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और जितनी भी खड़े होने की दशाएं हैं वो क्या करती हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाती हैं, तो बनाती हैं का मतलब बिल्ड बनाती हैं, ठीक है, बिल्ड है ना। ये सेकंड फॉर्म आपने क्यों डाल दी यहाँ पर, बनाया नहीं, जनरलाइज सेंस, जब त्रिकोण आसन की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से जा रहे हैं। तो ऐसे जब भी फैक्ट की बात करते हैं, ये पूरे फैक्ट हैं, ठीक है, कि खड़े होने की जितनी भी दिशाएं हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाती हैं, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है, सही बात है। और फैक्ट को हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, तो आपका इसलिए यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन होगा, ऑल स्टैंडिंग पोजेस बिल्ड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सारी जितनी भी खड़े होने की दशाएं हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाती है। तो यहाँ पे बुल्ड जो है, यहाँ टी वाला नहीं, टी वाला तो ये गलत हो गया ना, ये टी नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड वाले का सेकंड ऑप्शन, बिल्ड मतलब कहने का जितनी भी खड़े होने की दशाएं हैं, बिल्ड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब इसमें एस या एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ऑल स्टैंडिंग पोजेस प्लूरल है, तो एस या एस नहीं लगेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट लेना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्ड होता है, बिल्ड यहाँ टी वाला है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, तो इसे नहीं लेना, आपका थर्ड में सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे इसमें लिखा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाती है, सो इसलिए द मोर यू डू इट द डैश यू स्टैमिना विल बिकम। आप मैंने आपको बताया था द मोर द लेस, तो इसमें क्या होता है कि जब आप रिलेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर द मोर आया तो आगे भी द के साथ कोई कंपेरेटिव डिग्री ही आएगा। द मोर यू डू इट, जैसे कहें कि द मोर यू वर्क द मोर यू गेन, जितना आप काम करोगे उतना ही ज़्यादा आप पाओगे, तो उसी तरह का सेंटेंस है ये, द मोर यू डू इट, तुम जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, द डैश योर स्टैमिना विल बिकम, उतना ही ज़्यादा आपका स्टैमिना होगा। तो क्या होगा, बेस्ट होगा, बेटर होगा, गुड होगा, टू गुड होगा, अच्छा होगा। तो अच्छा होने की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, गुड की कंपेरेटिव डिग्री बेटर होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर आर्टिकल द लगा है तो हम बेस्ट लिखते हैं, क्यों लिख देंगे बेस्ट, यहाँ पर रिलेटिव कंपेरेटिव डिग्री है तो द मोर, तो इसी तरह आगे वाले की द के बाद भी रिलेटिव डिग्री में यहाँ पर आपको कंपेरेटिव डिग्री भरना है। ये बेस्ट मत भर देना आर्टिकल दो सोच के कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाए तो हम बेस्ट भर दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिलेटिव कंपेरेटिव का सेंस है, रिलेटिव कंपेरेटिव में दोनों ही जगह द लगता है, यहाँ पर भी द मोर होगा और यहाँ पर भी द बेटर होगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है ना कि फर्स्ट ऑप्शन। तो ये कन्फ्यूजिंग था, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब फिफ्थ हम करते हैं, बट मतलब द एम इज नेवर टू डू, आपने यहाँ पढ़ा द स्टेमिना, उतना ही ज़्यादा आपका स्टेमिना होगा। द एम इज नेवर टू डू ओवर डू इट, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे खूब सारा करें, बट टू इंगेज रेगुलरली, बट लेकिन बल्कि नियमित रूप से लगे रहें, और लगे रहें फिर यू गेट स्ट्रॉन्गर, ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें, मोर स्टेबल, और ज़्यादा स्टेबल हो सकें। तो अब यहाँ पर आपको ताकि के सेंस में क्या होगा, दैट लगाइए, इफ दैट कोई कंजंक्शन नहीं होता, ऑफ दैट भी नहीं होता, टू दैट भी नहीं होता, सो दैट होता है, तो सो दैट ताकि यू गेट स्ट्रॉन्गर, आप स्ट्रॉन्गर हो सकें, एंड मोर स्टेबल ओवर टाइम, समय के साथ और ज्यादा स्टेबल हो सकें। तो आपका फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है, सो दैट का आपका फिफ्थ में, सॉरी थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ में थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है,
सो दैट, ताकि, ठीक है। तो ये आपका था आज का क्लोज टेस्ट, और आई होप आपने आज आपने देखा होगा कि कैसे टेंस में हम वर्ब की फॉर्म्स करते हैं। अभी तक हमने जितने क्लोज टेस्ट कराया उसमें समथिंग डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सारे की मीनिंग एक दिया है, बस आपको चूज करना है टेंस बेसिस पे ग्रामर पॉइंट्स का यूज करके कि कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फिलअप करना है। तो ये क्लोज टेस्ट वास्तव में रोमांचकारी है, और इस बार जो 17-18 इस तरह जो पेपर्स हुए थे मेंस के पेपर में ऐसे आए थे, इसीलिए लड़कों ने अच्छा खासा नंबर गेन किया। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सारे वन बाय वन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो हम सिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स में इन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया है ये स्पॉटिंग एरर है। तो सिक्स नंबर का आप पढ़ेंगे, वाटर वाज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज, पानी पेड़ से चू रहा था, एंड द ग्रास वाज वेट, और जो घास थी वो गीली थी। तो मैं आपको बता दूं, ग्रास अनकाउंटेबल है इसीलिए सिंगुलर वाज आया है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर वाज ड्रिपिंग ऑफ द ट्री, पेड़ से चूने के लिए ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्री होगा, ठीक है। फ्रॉम से किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही है, तो ऑफ द ट्री नहीं, फ्रॉम द ट्री आप लोगे, तो ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्री। अगर वही वाल होता तो ड्रिपिंग डाउन द वाल होता, क्योंकि दीवार से सीधा नीचे गिरता है, अलग होकर नहीं गिरता है ना पानी। तो पानी जो अगर गिरता है तो वो दीवार से सीधा चूते हुए उस तरह बहते हुए गिरता है, तो ड्रिप डाउन द ट्री होता, ड्रिप डाउन द वाल होता, ना कि ड्रिप फ्रॉम द वाल, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रिपोजिशन में ध्यान रखनी है, ऑफ को आपको काट देना है, आपको यहाँ क्या लेना है, फ्रॉम लेना है, वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्री, क्योंकि कोई चीज जैसे कि द फ्रूट वाज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री है ना, तो पेड़ से अलग हो रहा है, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन इस तरह अलग करने के सेंस में भी आता है, तो यहाँ पे फ्रॉम जनरल यूज होता है, तो ऑफ काट करके आपको फ्रॉम करना है। तो इस सेवन नंबर का कौन सा करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन आपका एरर का पार्ट बनेगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे पढ़ते हैं सेवन नंबर, प्रवीण सैट अप ऑन द सोफा, प्रवीण सैट में सीट का सेकंड फॉर्म है, मतलब सोफा पे बैठ गया, विथ हिज लेग्स अपने पैर टक्ड डाउन हिम, टक डाउन हिम मतलब अपने नीचे कर लिए, तो टक डाउन नहीं होता, टक अंडर हिम होता है, टक्ड अंडर हिम, टक इन आता है, एक एसएससी ने पहले पूछा था टक इन, तो टक इन का मतलब होता है बिस्तर में किसी को ढक देना, जैसे कि द मदर टक्ड इन द सन इन बेड, मतलब कहने का कि बच्चे ने कंबल से बच्चे को, मतलब कहने का माने कंबल से बच्चे को ढक दिया, चादर से बच्चे को ढक दिया है ना, तो मींस कहने का उड़ा दिया जिसे हम कहते हैं, तो वो टक इन था। एसएससी ने इस बार क्वेश्चन 2017 में पूछा, बस दो ही क्वेश्चन आए हैं एसएससी के टक पे रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है टक अंडर पे, मतलब कहने का स्पॉटिंग एरर का पार्ट बनाया, टक अंडर हिम फोल्ड करके पैर अपने नीचे कर लिए, तो उसके हम कहते हैं टक अंडर, ना कि टक डाउन। तो आपका थर्ड ऑप्शन में एरर है, इसलिए मतलब थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन चूज किया जाएगा। 18 नंबर में देखेंगे, एट नाइट रात्रि में द हंग्री ऑर्फन, जो भूखा ऑर्फन था अनाथ था, वुड स्नीक इनटू, उसने चोरी करनी चाही द किचन, किचन में, एंड और क्या किया, टीनी अमाउंट ऑफ फूड, और छोटा सा अमाउंट का फूड, मतलब फूड का अमाउंट क्या कर लिया, चोरी कर लिया। तो आप बताइए, हंग्री ऑर्फन वुड स्नीक, स्नीक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपको आगे क्या लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए यहाँ तो सारे वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, एंड जब किचन में गया वो स्नीक इनटू, चुपके से घुसा, एंड टीनी अमाउंट ऑफ फूड, चूंकि हंग्री है भूखा है तो मतलब सीधी सी बात है चोरी करेगा खाने की है ना, तो लिफ्टर, लिफ्टर टीनी अमाउंट ऑफ फूड, लिफ्टर तो आपका नाउन हो गया, नहीं होगा, प्रीफर और चूज किया मतलब चुना, और डिफर मतलब अलग होता है, और प्रीफर मतलब चुराया, और उसने एक छोटा सा भोजन का टुकड़ा चुरा लिया, तो फिल्फर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑन द सेंस बेस्ड। अब आप नाइन्थ पढ़ेंगे, एज द ओनली डैश पर्सन इन द वैकी फैमिली, वैकी फैमिली होता है मजाकिया फैमिली, नॉन सीरियस फैमिली, ऐसी फैमिली जो मजाक ही करती रहे हमेशा, नॉन सीरियस हो है ना, तो नॉन सीरियस फैमिली में एकमात्र व्यक्ति होने के कारण द सेंसिबल गर्ल, वो बुद्धिमान लड़की, फेल्ट वो महसूस कर रही थी लाइक द ऑड ओल्ड वुमन, ऑड वुमन आउट, वहां पर बिल्कुल अजीब सी वुमन की तरह, मतलब एक अलग महिला की तरह महसूस कर रही थी वो लड़की है ना। तो आप बताइए कि सारी वैकी फैमिली अम्यूजिंग फैमिली है, मतलब पागल टाइप की पर्सन है ना, तो वो क्या होगी, वो सेंसिबल होगी, तो आप उसे क्या लिखेंगे, सेन फैमिली, मतलब सेन पर्सन, एज द ओनली सेन पर्सन, सेन माने होता है बुद्धिमान, मेंटली स्टेबल, जो मानसिक रूप से स्थायी हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सेन कहते हैं, इनसेन माने पागल हो गया, वेन माने व्यर्थ हो गया, मेन माने मुख्य, एज द ओनली मेन पर्सन, बच्ची है यार, सेंसिबल गर्ल है, लड़की है, तो केवल आप मेन कैसे कह सकते हो, सकता है उसका और भी कोई गार्जियन हो, चूंकि फैमिली की बात कर रहा है, फैमिली में हो सकता है और भी कोई हो है ना, तो मेन नहीं कह सकते, लेकिन सेन ये आप कह सकते हो, क्यों, क्योंकि वो सेंसिबल है, सेंसिबल होने का मतलब उसका मेंटली मेंटल लेवल क्या है, बिल्कुल फिक्स है और स्टेबल है, तो वो सही है मतलब मानसिक रूप से, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। वेन तो हो ही नहीं सकता, इनसेन हो नहीं सकता, क्योंकि सेंसिबल है, तो इनसेन कैसे हो सकती है ना, तो ये चीज आपने नाइन्थ में सीखी। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं।
टेन नंबर पे आपको क्या करना है, टेन नंबर पे आपको सिमिलर वर्ड्स चूज करने हैं। पाइक्वेंसी होता है, पाइक्वेंसी मतलब होता है आप पाइक्वेंसी के आप ऑप्शन देखेंगे ब्लैंड, ठीक है। देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ब्लैंड मतलब होता है नीरस, मतलब कहने का जिसमें इंटरेस्ट ना हो, जो कलरफुल ना हो, ठीक है। फ्लेवरिंग मतलब फ्लेवरिंग होता है आपका बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर वाला, अट्रैक्टिव, है ना। टेडियस मतलब उपाऊ होता है, और इंसिपिड माने बेस्वाद होता है। आप देख रहे हो ब्लैंड माने बोरिंग या अनकलर्ड, इंसिपिड माने बेस्वाद यानी बोरिंग की टाइप का, टेडियस माने भी उबाऊ या बोरिंग हो गया, फ्लेवरिंग मतलब इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। आप देख रहे हो एक ही वर्ड इंटरेस्टिंग है, बाकी तीन साइनोनिम, तो सीधी सी बात है ये एक वर्ड इसी का होगा। ये भी दिमाग आप एग्जाम में लगाइए। मैं हर जगह नहीं कहता कि हर जगह फॉलो होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी जगह है जहाँ पर तीन साइनोनिम है और एक बिल्कुल अलग डिफरेंट मीनिंग रखता है, तो ऑप्शन वो डिफरेंट मीनिंग वाला बनेगा, चाहे एंटोनिम हो चाहे साइनोनिम हो, इससे मतलब नहीं। अगर तीन ऑप्शन की मीनिंग सेम है तो जो चौथा ऑप्शन होगा ऑप्शन वही करेक्ट बनेगा, क्योंकि तीन सेम है तो वो तीनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, भाई ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा, ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा, ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा, तो तीनों में से कोई नहीं होगा, इसीलिए तो तीनों को साइनोनिम में डाल दिया और ऑप्शन सेकंड को करेक्ट बना दिया। तो फ्लेवरिंग है मतलब आपको इससे दिमाग लग जाना चाहिए कि ये इंटरेस्टिंग है तो ये नॉन इंटरेस्टिंग का सेंस दे रहा है, बेस्वाद का सेंस दे रहा है, और ये सारे क्या है, सॉरी, ये मतलब जो है इंटरेस्टिंग का सेंस दे रहा है पाइक्वेंसी, और इसीलिए इसका सिमिलर वर्ड क्या बना है, फ्लेवरिंग बना है, और बाकी सब क्या है, बेस्वाद। तो पाइक्वेंसी मतलब आप इससे भी पढ़ सकते हैं, ये भी जान सकते हैं कि पाइक्वेंसी मतलब जो होता है वो स्वादिष्ट होता है, और उसके लिए मतलब स्वादिष्ट या इंटरेस्टिंग कह सकते हैं आप, तो इंटरेस्टिंग होता है जिसके लिए ये साइनोनिम क्या आया, सेकंड फ्लेवरिंग आया, बाकी सब आपके अपोजिट है, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये तरीका है करने का, और आई होप आपको कहीं काम आ जाएगा। कभी कभी होता है कि हमें जो तो वर्ड पूछ रहा है उसकी भी मीनिंग नहीं पता, और चार ऑप्शन में से तीन की मीनिंग पता है, एक की मीनिंग भी नहीं पता, तो हो सकता है आपको ये जो वर्ड दिया है ये भी पता ना होता, फ्लेवरिंग भी पता ना होता, लेकिन तीन ऑप्शन पता होते जिनका तीनों का मीनिंग सेम है, तो हो आप क्या करते, इसका साइनोनिम इसको सीधा मार के चले आते, तो आपके चांसेस होते 75% समथिंग की सही हो जाता, क्योंकि तीनों की मीनिंग सेम है तो चौथा ऑप्शन ही बचा होगा जो कि इसके काफ़ी हद तक करीब होगा, क्योंकि तीनों मीनिंग सेम है तो ये लेंगे तो अगले वाले क्यों नहीं लेंगे दोनों, जब तीनों की मीनिंग ही सेम है तो तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा 25% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा अच्छा कम अच्छा का चक्कर आ जाता है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा इसीलिए इसको बेस्ट एक्सप्रेस के रूप में ले लिया, तो वो रीज़न आता है, अदरवाइज हर हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। कन्फ्रंट क्या होता है, कन्फ्रंट माने सामना करना होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्रंट माने सामना करना, अवॉइड माने बचना होता है, एल्ड माने झुक जाना, समर्पण कर देना, तो यहाँ पर भी बचने का सेंस ये दे रहा है, ठीक है। डोज माने होता है यहाँ पर भी बचना, और डोज में आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे टैक्स डोजिंग, टैक्स से बचने वाला, टैक्स डोजन, है ना। तो जैसे विजय माल्या जब टैक्स डोजिंग कर रहे थे, अपना टैक्स देने से बच रहे थे, तो ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा था, टैक्स डोजिंग बहुत ज़्यादा यूज होता था। तो कन्फ्रंट माने सामना करना, यहाँ देख रहे हो आप अवॉइड माने बचना, डोज माने भी बचना, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गए, मतलब ये क्या है, ये दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं, इसका मतलब इनका तो होना नहीं है, और अपोजिट भी है, कन्फ्रंट माने सामना करना का बचना, अपोजिट हो गया। अकॉस्ट ये इल्ड क्या होता है, इल्ड माने झुकना, तो आप सामना कहाँ कर रहे हो, आप तो झुक जा रहे हो, और एक इल्ड का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, तो वो यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है। दो मीनिंग होते हैं इल्ड के, एक झुकना और एक पैदा करना, तो झुकने के सेंस में ये आया नहीं, और झुक फिट नहीं हो रहा है, और पैदा होना इसका यहाँ सेंस लगेगा नहीं। अकॉस्ट माने होता है किसी का सामना करना और उससे तर्क वितर्क करना जा करके, है ना। अकॉस्ट जो होगा यही जहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। कन्फ्रंट का साइनोनिम, कन्फ्रंट माने सामना करना, अकॉस्ट माने भी सामना करना, तो करेक्ट ऑप्शन 11 का 4 नंबर है। 12 नंबर में आप देखेंगे अपोजिट वर्ड आपको चूज करना है, सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। सेवंथ क्या होता है, सेवंथ होता है आपका बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, तो ऐसा जो कि नॉलेजेबल ना हो। अकेडमिक आप जानते हो, अकेडमिक विषय आपका जो अकेडमिक स्टडीज होता है उससे होता है, यहाँ पर डी छूट गया है, ये एग हेड होता है। एग हेड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में उतावला, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन, जिसका काम सिर्फ वो जो पढ़ता ही रहता है हर जगह, पढ़ाकू टाइप का, उसे हम कहते हैं एग हेड। क्या कहते हैं, एग हेड, पंडित माने विद्वान होता है, है ना। और सेवंथ माने भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट और वेरी नॉलेजेबल पर्सन होता है। और अमेटियर जो होता है, कार्य का शौकीन जरूर होता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो ये अमेटियर आपका क्या होगा, यही इसका अपोजिट बनेगा, क्योंकि सेवंथ माने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल, अमेटियर बस नॉलेज ना हो, शौकीन जरूर हो काम करने का लेकिन उसे नॉलेज वॉलेज ना हो, बस काम चलाऊ हो, तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 12 नंबर में। 13 में आप देखेंगे इंडिक्ट माने आरोप लगाना होता है, ठीक है। तो आरोप लगाने का अपोजिट क्या होगा, मुक्त कर देना, तो मुक्त करने के लिए क्या आएगा, एग्जोनरेट आता है, मुक्त कर देना, तो आपका बरी कर देना जिसे हम कहते हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बाकी क्या आप मीनिंग देख लीजिए,
अराइन का मतलब होता है कोर्ट में लेके जाना, जैसे कि मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा तो आई विल अराइन यू टू फॉर समथिंग, मैं आपको इस मामले के लिए कोर्ट लेके घसीट के ले जाऊंगा, तो वो आपका अराइन होता है किसी मामले में के लिए किसी व्यक्ति को कोर्ट ले जाना। सेंसर होता है आपका निंदा करना, टू क्रिटिसाइज, इम्पीच माने होता है अभियोग चलाना या फिर मुकदमा चलाना, इस सेंस में आता है, ठीक है। तो 13 भी हो गया आपका। आइए फ्रेंड्स 14 नंबर देखते हैं, टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ये आपका idiom है और इसका मतलब आप पहले इसका वर्ड का मीनिंग देख लीजिए, टू बिटन ऑफ उतना ज्यादा काट लेना, मोर देन जितना कि उससे ज्यादा, देन यू कैन च्यू जितना आप चबा सकते हो, जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा काट के खा लेना, है ना। तो इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग है टू हैव ट्राइड टू डू समथिंग, कुछ करने का प्रयास करना, विच इज टू डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा जो मुश्किल हो, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन याद रखना है, बस हो गया, बाकी को आप पढ़ लीजिए अपना समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई वो मीनिंग है। जैसे कि ये बड़ा दिख रहा है, इसका मीनिंग बता देता हूँ, टू हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही शानदार अवसर का से चूक जाना, एंड आफ्टर दैट और उसके बाद विलिंग टू पुट ट्वाइस द एफर्ट और उसके बाद दोबारा दुगुना प्रयास करना, टू रिकवर द लॉस उस नुकसान को पूरा करने के लिए, मतलब पहले एक अपॉर्चुनिटी से चूक जाना उसके बाद फिर दुगुना प्रयास करना उसको रिकवर, उस नुकसान को रिकवर करने के लिए, है ना। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये 44 हो गया। अब बाकी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मैंने बता ही दिया है। 15 नंबर होता है आउट ऑफ प्रिंट, जो पब्लिश्ड ना हो, अ बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर, जो पब्लिशर के पास अब ज़्यादा अब उपलब्ध ना हो, मतलब अब छपे ही नहीं, तो आपका सेकंड ऑप्शन आउट ऑफ प्रिंट होता है। ये 2009-10 के आसपास भी आया था एक बार और तब से ये अब रिपीट हुआ है इसके पहले, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी है, सिंपल है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सोचिए कि 3-3 साल 4-4 साल पहले वाले idioms जो हैं रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए तो लड़के प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं ना, तो यही रीज़न है हमारे पेपर सॉल्व कराने का कि प्रीवियस ईयर में आपको 3-4 भी क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर हमने मान लीजिए 20 सेट करा ही दिए, जैसे 20वां है ये, इसके बाद हमारे इसमें अगर आपके 3-4 क्वेश्चन भी फंस गए तो आपके लिए सफिशियंट है, आपको 7-8 नंबर मिल गए ना, बहुत है इतना, और क्या, बाकी आप अपने से पढ़ ही रहे हो, तो आपको टारगेट 45 प्लस है, 40-45 प्लस अगर आप ला रहे हो तो समझ लीजिए हमारा टारगेट पूरा हो गया, है ना। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, बताया करिए हमें, है ना, तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो मटेरियल हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसको आप एक बार दो बार इस तरह रिपीट करके पढ़ते रहिए, ठीक है। अब 16 नंबर पे आप देखेंगे, 16 नंबर पे क्या है, तो 16 नंबर पे आपको जो भरना है वो है आई एम हैविंग टू मच फन, मैंने बहुत ज़्यादा फन किया, है ना, तो आई एम नहीं होगा, आई एम हैविंग वर्ब की सेकंड आई एजी फॉर्म तो आप डालोगे, टू मच फन तो टू और टू ये दो गलत हो गए, इसलिए आपको हैविंग लेना है, आई हैज तो हो नहीं सकता, आई एम हैज गलत हो जाएगा, आई एम हैड ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एम पहले से लगा है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा, तो हैव का आई एजी फॉर्म लगाओगे आप और इसका मीनिंग होगा आई एम हैविंग टू मच फन, मैं बहुत ज़्यादा मौज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम के बाद वर्ब का आई एजी फॉर्म हैविंग होगा, लेकिन ये टू अननेसेसरी है, इस टू को हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये 16 हो गया। 17 नंबर पर है व्हाट वुड द कैवेलरी डूइंग आउट हेयर, आखिर कैवलरी क्या होता है, कैवलरी होता है योद्धा, व्हाट वुड द कैवलरी डूइंग हेयर, मतलब यहाँ क्या कर रही हैं। अगर वुड आया तो आप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकते हो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, है ना, तो आप और क्या कोई ले सकते हो, अगर ले सकते हो तो ठीक है, अगर डूइंग करेक्ट है नहीं तो डूइंग कब सही होगा, जब वुड बी शुड बी का कंस्ट्रक्शन होता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना, विल बी, शैल बी, वुड बी, शुड बी जब होता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर मॉडल कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है और वहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो वुड यहां आया तो बी यहां आना चाहिए, तो व्हाट वुड द कैवलरी बी डूइंग अगर आप करते हो तो आईएनजी फॉर्म भी ले सकते हो और बी लिखा है तो मतलब कंटिन्यूअस का सेंस देगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये चूज करके आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। नो इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां डूइंग है, डूइंग कैसे सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई होगा नहीं वुड से, जब बी लगा दोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली, बिल्कुल शब्दशः मतलब कहने का वैसे ही शब्दों में जैसा पहले कहा गया था, तो उसे हम कहते हैं क्या, वर्बैटिम, क्या कहते हैं, वर्बैटिम, शब्दशः, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। डाइवर्जेंट मतलब विभिन्नता, तो ये आपका गलत है, ठीक है, इसका मीनिंग मैंने बता दिया, डाइवर्जेंट इसका अपोजिट होता है कन्वर्जेंट, कंट्रेरी माने विपरीत, तो ये भी आपका गलत है। ऑफ बीट क्या होता है, ऑफ बीट होता है विषय से हटकर, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, है ना, तो ये भी आपका गलत है, इसका मीनिंग आपने पता लगे। वर्बैटिम आपका सही है, वर्बैटिम की स्पेलिंग भी पूछी है, टी डबल आई एम कर देता है कभी कभी, है ना, वी ए आर कर देता है कभी कभी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला 19 देखते हैं, अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, एक पर्सन जिसका रुझान होता है टू क्वेश्चन, प्रश्न खड़े करना और डाउट संदेह करना
एक्सेप्टेड ओपिनियन, ऐसे ओपिनियंस पर जो कि एक्सेप्टेड हैं, मतलब लोगों के द्वारा आसानी से स्वीकार कर लिए जाने वाली चीज़ों को ये संदेह के रूप से देखता है और क्वेश्चन खड़ा करता है, उसे हम कहते हैं सेप्टिक, संदेहवादी। एडिटोरियल में बहुत बार ये वर्ड आया है सेप्टिक, मैंने इसके मीनिंग्स भी बताए हैं आपको, सेप्टिक मतलब संदेहवादी। और एडिटोरियल में छोड़िए, मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं तो उसमें भी ये ऑप्शन के रूप में कई बार मिला, लेकिन यहाँ पर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में मिल गया है ना। एडहेरेंट मतलब पालन करना होता है, जीलर्टरी मतलब कट्टर होता है, कट्टर होता है, फैनेटिक जीलर्ट, अभी कल एक वर्ड आया था उसमें जीलर्टरी था, एल ओ टी आर वाई, तो जब ट्री लिखे जीलर्टरी लिखे तो टी आर वाई लिखते हैं, कट्टरपंथी, कट्टरपंथ मतलब कट्टरपंथ की भावना, और जीलर्ट मतलब होता है कट्टर, फैनेटिक एफ ए एन ए टी आई सी, ठीक है। डिसिपल माने होता है शिष्य, ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया आप इसका। अब हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, तो 20 नंबर में आपको स्पेल वर्ड्स करेक्ट करने हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भरने हैं, बस आप ये ध्यान रखा करिए इनमें कि करेक्टली पूछा है कि इनकरेक्टली पूछ रहा है। जैसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आप कहेंगे डीदरिंग, डीदरिंग की स्पेलिंग होती है डी आई होता है टी एच ई आर आई एन जी, तो ये आपका टोटली करेक्ट है, बाकी आप देख लीजिए है ना, डीदरिंग हो गया। और सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर क्या है, टी एच आर ओ डबल टी एल ई डी होता है, थ्रॉटल मतलब गला घोटना, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 22 में आप देखेंगे ये पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस क्या, एक्स वाई जेड है, और बस इसीलिए पेपर इजी हो गए क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड के फॉर्म में तीन सेंटेंस करने थे और वो भी एक सेंटेंस को ही ब्रेक करके तीन पार्ट में और चार पार्ट में डाल दिया था, तो एक सेंटेंस को करना जब स्पॉट मतलब जंबल्ड सेंटेंस आता है तो वो इजी होता है काफ़ी हद तक, रैदर देन कि आप करें जंबल्ड पैराग्राफ, ठीक है, तो इसलिए इजी हो जाते हैं। वहाँ पर जंबल्ड पैराग्राफ करवाए गए थे शुरू के पेपर्स में, लेकिन यहाँ जंबल्ड सेंटेंस दे दिए, मीन्स कहने का कि ये पेपर इजीलिए ईजी होगा क्योंकि दो क्वेश्चन यानी 2 to 4 मार्क्स तो सबको मिल ही गए और ऐसे थे कि थोड़ा भी बुद्धि है अगर स्टूडेंट्स के पास तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ इतना ईजी है कि आप आराम से कर सकते हो। चिल्ड्रन आर सेंसिटिव, बच्चे सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, किसके प्रति, इंथजियास्टिक, सेंसिटिव इंथजियास्टिक नो मैच, सेंसिटिव प्लेज नो मैच, सेंसिटिव टू उस चीज के प्रति सेंसिटिव हैं, व्हाट हैपेंस अराउंड देम जो उनके चारों ओर होता है, तो एक्स से शुरू है, आप बताइए एक्स से कौन सा सेंटेंस शुरू है, पहले दूसरा शुरू है मार दीजिए, कोई है ही नहीं एक्स से शुरू। चिल्ड्रन आर सेंसिटिव टू व्हाट हैपेंस अराउंड देम, उनके चारों ओर जो होता है उसके प्रति संवेदनशील हैं, एंड और आर, और क्या है, आर प्लेज गलत नहीं मिलेगा, आर के बाद एस सी आई एस वाला कोई वर्ड नहीं आता, ठीक है, आई जी फॉर्म आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो नहीं होगा, एंड आर इंथजियास्टिक एडजेक्टिव आता है, और उत्साहित हैं अबाउट वर्किंग ऑन, काम करने में ऑन प्लेज, उन सारे खेलों में दैट रिफ्लेक्ट देयर लाइफ, जो कि उनके जीवन को दिखाते हैं, तो ये आपका एक्स वाई जेड करेक्ट ऑप्शन है, बताइए सीरीज में बना के दिया था, तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं और कैसे पी क्यू आर एस है ना, और हमें और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, उनको हम खत्म करते हैं उसके बाद फिर हम एंड करते हैं वीडियो को। तो 23 नंबर में आप देखेंगे, 23 में आपको जो दिया है वो भी पी क्यू आर एस है, मतलब एक्स वाई जेड, बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब नहीं है, दिस डज नॉट मीन फिनोमिना नो मैच इज, दिस डज नॉट मीन हेल्पिंग वर्ब, आगे दोबारा हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं, जेड से शुरू होगा, दिस डज नॉट मीन इसका मतलब ये नहीं है दैट कि द डिफरेंस ऑफ मेंटल फिनोमिना, कि मेंटल फिनोमिना का डिफरेंस टू द बॉडी शरीर के लिए इज ए मीनिंगलेस एक्सप्रेशन, की वो महत्वहीन एक्सप्रेशन भाव है, तो दैट आया जेड से शुरू है, बताइए जेड से कितने सेंटेंस शुरू है, एक सेंटेंस शुरू है, दूसरा वाला मार दीजिए ना, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, 23 में आपका जेड ऑप्शन शुरू था, जेड से शुरू था तो यही आपका ऑप्शन बन गया। 24 में आप देखेंगे द ट्रैवल एजेंट इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशन, ट्रैवल एजेंट जो है वो सारे रिजर्वेशन कर रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज मेकिंग, तो क्या मिलना है आपको, रिजर्वेशन, प्लुरल नाउन है तो आपको जब सब्जेक्ट बनाओगे इसे तो ऑल द रिजर्वेशन आर होगा और बींग बनेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बींग प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, इज एम आर बींग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो आर बींग यहीं पर है और कहीं आर है ही नहीं, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप आगे बढ़िए इसमें, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको दिमाग यहाँ नहीं लगाना क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, मैथमेटिक्स में कभी कभी कैलकुलेटिव आ जाता है तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होता है, तो टाइम आप वहाँ बचाइए, हमारा टारगेट टाइम बचाना है और पेपर को सही रूप से सॉल्व करना है। अब हम 25 करते हैं, 25 में शी सेड टू द डेंटिस्ट, उसने सॉरी ही सेड टू द डेंटिस्ट, उसने डेंटिस्ट से कहा और क्या कहा, आई हैव अ टूथएक, मुझे दांत में दर्द है, सी ही सेड है ना, तो ही सेड टू का ही टोल्ड द डेंटिस्ट, ये सब में सेम है, दैट आई को किस में चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो ही लगेगा, तो आपका दो ऑप्शन वैसे ही कट गए और आपका बचे क्या, सेकंड और थर्ड, ही अब हैव का पास्ट में जो कि आपका रिपोर्टिंग पास्ट में है तो आपका यहाँ भी पास्ट होगा, ही हैड, अब
गॉटन है टूथ एक या अ टूथ एक, तो अ टूथ एक है ना, तो सीधा सीधा अ टूथ एक लिख, तो गॉटन लगाने की क्या जरूरत है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई हैड ही हैड ए टूथ एक, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो पर डे जो जिस बेसिस पे वीडियोज़ आते हैं वो आप पर आपके यहाँ तक प्रॉपरली पहुँच सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, कमेंट भी कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कीजिए, जैसे हम आपके लिए कर रहे हैं वैसे आप भी किसी के लिए करिए, और आपको सिर्फ करना क्या है, आपको शेयर करना है इसे, बस आप शेयर करोगे जब इसे तो सीधी सी बात है कि आपका कोई फ्रेंड अगर प्रॉब्लम में, उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो आप तो उसके लिए हेल्पफुल है ही, और हमारा जो वर्क है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, तो प्लीज इतना सपोर्ट करिए, हम आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इतना सिर्फ सपोर्ट करिए कि इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, बस तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।